गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब बेहतर होंगे। तो आज मैं अपना लंच आपसे शेयर करने जा रही हूँ। तो लंच में मुझे क्या क्या बनाना है वो मैं आपसे बिल्कुल शेयर करूँगी कि किस तरीके से बनाती हूँ और क्या बनाती हूँ। ये मैंने लिया है मिक्स दाल और इसमें 5 तरह की दाल है। इसको पंचरत्न दाल भी बोलते हैं। तो ये 5 तरह की दाल है। ये मैंने लिया है कड़ी पत्ता, जिसको अच्छे से पानी से धुल के और भिगो के मैंने रख दिया है। यहाँ पे मेरे बेटे ने जो है दूध बोतल दिया था, वो वॉश करके मैं रख देती हूँ इसको इधर। और चलेंगे अब, आज मैं आपको अपना लंच प्रिपेयर करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से करती हूँ और क्या क्या मैं बनाती हूँ। तो चलिए बनाते हैं अपनी पंचरत्न दाल। सबसे पहले दाल को मैंने अच्छे से धुल दिया है। अब ऐसे कुकर में डाल दूँगी और थोड़ा पानी डालूँगी, थोड़ी हल्दी डालूँगी और नमक डालूँगी। थोड़ी देर के लिए गैस पर इसको चलाऊँगी। तो मेरे दाल बनाने का तरीका थोड़ा अलग है, क्योंकि आजकल हर एक इंसान को जो है जॉइंट्स में पेन होने लगा है, पैर हाथों में दर्द होने लगा है, क्योंकि हमारा जो खान पीन का तरीका है ना, वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है अकॉर्डिंग टू पहले के टाइम पे। पहले खुला टाइम पे जो खुली सब्ज़ी बनती थी। ये मैं मसाला डालूँगी इसके अंदर। मैंने प्याज है, लहसुन और कट की हुई टमाटर कट किए हुए हैं, 2 लौंग भी है, थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा है और ये तेज पत्ता है। हींग ऐड करूँगी मैं इसके अंदर और करूँगी थोड़ा सा सौंफ, थोड़ी सी मेथी। तो ये मेरा मसाला जो है बिल्कुल बन करके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अभी कुकर में सिटी मतलब इसका लिड नहीं लगाया है। तो यही जो है मेन। तो जो लोग भी कहते हैं हम सिंपल दाल वगैरह खाते हैं तब भी हमारे हाथ पाँव में दर्द है, यूरिक एसिड बढ़ा है या कुछ भी है, तो सबसे जो इसका मेन कारण होता है ना, दाल में बहुत सारी प्रोटीन होती है, बहुत अच्छी होती है हम लोगों के लिए दाल, लेकिन हम लोग उसको गलत तरीके से बनाते हैं, जिससे कि दाल के हमें फ़ायदे नहीं नुकसान मिलते हैं। तो वो नुकसान कैसे मिलते हैं, हम सीधा सारा सामान डाल के कुकर में लगा देते हैं लिड और सीटी लगाते हैं। हम सोचते हैं हमने सिंपल दाल बनाई है या हम दाल खा रहे हैं तो हम क्यों बीमार हो रहे हैं। तो देखिए दाल के ऊपर ये जो निकल के आ रहे हैं ना, ये झाग जो निकल रहे हैं, बस यही कारण होता है दाल को दूषित करने का। तो मैं इस तरीके से थोड़ी देर गैस पे ऐसे ही चलाती हूँ दाल को और इसके जो झाग वगैरह हैं वो निकाल देती हूँ बाहर। और इसी जो है ना, यूरिक एसिड भी हमारा नहीं बनेगा, हाथ पाँव में दर्द नहीं होगा। उसके बाद मैंने जितने मसाले थे वो इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी और थोड़ा सा मैं डाल दूँगी इसके अंदर ऑयल। और अब मैं लगाऊंगी लीड, क्योंकि तो इसमें उड़द दाल भी है, तो मैंने हींग अभी भी इसमें ऐड किया है और तड़के में भी मैं इसको हींग को ऐड करूँ, क्योंकि जो उड़द की दाल होती है वो थोड़ा भारी होती है और डाइजेस्ट होने में टाइम लेती है और गैस भी बनाती है। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी कड़ी पत्ता भी और अब एक सीटी में मेरी दाल जो है बन करके बिल्कुल तैयार हो जाएगी। और ये जितना भी कह सकते हैं केमिकल है एक तरह का, ये हमने बाहर निकाल दिया है। यहाँ पर थोड़े घर के फ्रूट हैं वो मैं खाऊँगी, इसलिए दिखा रही थी। अब साथ साथ दाल के साथ साथ मैं बनाऊंगी चटनी। तो ये आम की चटनी है और मैंने कच्चा आम लिया है, कैरी जिसको बोलते हैं, थोड़ा सा हरा साबुत धनिया लिया है, थोड़ा सा जीरा लिया है, लाल मिर्च लिए है, नमक लिए है, बस इन्हीं को मैं ग्राइंड करूंगी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये चटनी बन जाती है कच्चे आम की और मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैंने चटनी भी तैयार कर दी है और दाल तो मेरी हो ही रही है। तो मैं आज लंच बनाने जा रही थी, मैंने सोचा आपसे शेयर कर लेती हूँ कि मैं किस तरीके से दाल वगैरह बनाती हूँ, ताकि आप भी इस तरीके से दाल बनाएं और बहुत सारी प्रॉब्लम से बच जाएं। कहते हैं ना बहुत लोग कि हमें पाँव में दर्द है, हमारे जॉइंट्स में पेन है, तो वो जॉइंट्स पेन एज से नहीं आता है। अब कहते हैं ना इस तरह का एज हो रही है तो हो जाएगा, वो एज नहीं हो रहा, वो हमारे खान पान के तरीके से हो रहा है। पहले जो है खुला बनाया जाता था चूल्हे में खाना और उसके ऊपर दाल के ऊपर ये आते थे। हमने भी अपनी नानी के यहाँ कभी देखा है तो हम सोचते थे पता नहीं क्या चीज़ है ये, लेकिन अब जैसे बड़े होते हैं, समझदार होते हैं, और मैं तो सच में आयुर्वेद या इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, तो मैं यही चीज़ें सब पीछे की जो हमने कभी देखी भी नहीं है वो चीज़ों को ट्राई करने लगी हूँ। तो
तो बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे मेरी दाल बिल्कुल बन चुकी है और सिंपल से मैं तड़का लगाऊंगी क्योंकि सब कुछ मैंने दाल के अंदर ऐड कर दिया है। थोड़ा सा मैंने जीरा डाला है और दो लाल मिर्च डाली है और हींग मैंने डाला है, हींग ज़रूर डालना चाहिए। और बाद में मैंने इसके अंदर थोड़ा सा डाला है मसाला, और मसाला मैंने डाला है सांभर मसाला। और अब मैं दाल बना डाल दूँगी और मेरी दाल जो है बन करके बिल्कुल रेडी है। बहुत ही टेस्टी लगती है क्योंकि इसके अंदर जो केमिकल होता है वो जो झाग के द्वारा ऊपर आता है वो हमने बाहर निकाल दिया। टेस्टी तो है ही, हेल्दी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो दाल आप कोई भी बनाएं, मैंने ये पंचरत्न बनाई है, मतलब मिक्स दाल भी बोलते हैं, तो दाल कोई भी बनाएं तो इसी तरीके से बनाएं, चाहे आप किसी भी तरह की दाल बना रहे हैं तो थोड़ी देर थोड़ा सा गैस जाएगा लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम से आप बच जाएंगे, डॉक्टर को बहुत सारे पैसे देने से बच जाएंगे। तो हमेशा दाल को ऐसे ही बनाएं, कोई भी दाल हो। तो यहाँ पे मेरी जो है दाल लग चुकी है और अब मैं आपको सर्व करूँगी। मेरे साथ में चावल भी बन गए हैं और मुझे दाल चावल करेले, मतलब दाल के साथ करेले का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, आपको पता ही है। तो मैं थोड़ा सा करेला लूँगी और अपनी थाली जो है लगाती हूँ और आपसे शेयर करती हूँ और आपको भी इनवाइट करती हूँ कि मेरी ये हेल्दी और टेस्टी दाल आप इंजॉय करें, आएँ ऐसे बनाएं और देखना कि आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो तो ऐसे ही ठीक हो जाएगी। तो मैंने अपनी प्लेट में यहाँ पे लिया है थोड़ा सा अनियन लिया है सैलेड के रूप में और थोड़ा सा करेला लिया है। जैसा कि आपको पता ही है कि मैं 2-3 दिन का बनाती हूँ तो करेला मैं ज़रूर खाती हूँ क्योंकि शुगर वगैरह के लिए बहुत अच्छा रहता है। और आजकल जो मेरी मेडिसिन चल रही है उसमें मुझे शुगर लेवल जो है फिर से अप होने लगा है, तो मैं डेली करेला खाती हूँ। और चावल मुझे बहुत पसंद है, चावल ले लिया, मैंने चटनी ली है जो मैंने अभी आपसे शेयर की है और बहुत ही टेस्टी सा ये लंच बन करके तैयार है। तो आइए और टूट पड़िए, बस खाने का इंतज़ार है, आप लोग आ जाइए फटाफट से और खाते हैं। तो मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी, दाल बनाने का तरीका आपको कैसे लगा, प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कमेंट करके, क्योंकि कमेंट जब आप लोग करते हैं ना उनको हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, मतलब मुझे बहुत खुशी होती है उस चीज़ की। बहुत सी मेरी ऐसे फ्रेंड है जो बहुत ही प्यारे कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत कहते हैं ना आगे बढ़ने का एक ज़रिया होता है कि अगर आपको आगे बढ़ना है ना और आपके बड़े या कोई आपकी थोड़ी तारीफ़ कर दे उस चीज़ की, तो इंसान का तो नहीं पता लेकिन मेरी तो आदत ऐसी है कि अगर मेरी किसी चीज़ में तारीफ़ की जाती है तो मुझे लगता है कि और आगे निकलना चाहिए और अच्छा करके कुछ दिखाना चाहिए। तो बस आपके कमेंट का मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। कुछ मेरी फ्रेंड तो बहुत ही प्यारे कमेंट करते हैं, उनके लिए दिल से धन्यवाद। और आपको आज की मेरा ये टिप कैसा लगा दाल का जो मैंने आपको बताया है वो भी प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब मैं वीडियो को करती हूँ एंड और उम्मीद करती हूँ कि अब डेली मैं आपसे वीडियो शेयर करूँगी, क्योंकि जब घर में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाती है या कुछ भी ऐसा होता है तो थोड़ा सा मन हो जाता है, नहीं हम टाइम दे पाते हैं। तो आपसे मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं कंटिन्यू रखूँ वीडियो को और डेली एक वीडियो मैं अपलोड करूँ, भले ही छोटी या बड़ी। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें और मेरे ये टिप ज़रूर फॉलो करते रहें ताकि बहुत सारी बीमारियों से बचे रहें। बाय बाय।